مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا نبيا وصديقا وغوثا ومجددا وبنيا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا وقال الله تعالى في مقام آخر وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على بابا عجب الانبياء صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين پیر سید مہر علی تاجدار گولڈا نبر اللہ اکبر قدرہو کا مشہور زمانہ کلام ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ ایک مہر علی کا کلام دوسرے مہر علی کی یاد میں آپ کے پیتوں میں بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں حبیہ یقینت پیش کیا جائے یہ رب کی حمد بھی ہے مصطفیٰ کی نعت بھی ہے اس لیے یہ مجموعہ حمد و نعت ہے آپ سب احباب مل کے اس میں شامل ہو جائیں سبحان اللہ کی تسبیح بھی ہے مصطفیٰ کریم کی نعت بھی مل کے شامل ہو جائیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
Ali
किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना मोस्ताक खियां किथे जा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दोनों विच शौक जगे लिए अज तैना लाया क्यों जड़िया आज की ये तकरीब सईद जो के एक वली कामिल और गुलशन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एक फूल और खानदान रसूल के चश्मो चराग की बारगाह में मेरी मुराद फख्र तरीकत हज़रत क़िबला पीर सैयद मेहरे अली शाह साहब नब्बर अल्लाह मरकज़हू आपकी बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार है। अल्लाह ताला मुझ समेत जमी अहबाब की काविशों कोशिशों को हाजिरियों को और आपकी पहलू में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अपनी अकीदतों मोहब्बतों का इजहार करने को तस्बीहात और तहलीलात समाप्त करने और अपनी जुबानों को उनके लिए जुम्बिश देने को हर अमल को अपनी बारगाह में न सिर्फ कबूल फरमाए बल्कि इसे हम सब की बख्शिश का जरिया भी फरमाए। मेरे बिरादर मुकर्रम फख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब ज़ीद शरफ़ और मोहतरम भाई राजा मुश्ताक साहब व दीगर अहबाब की मोहब्बतों के नतीजे में मुझे लब कुशाई का मौका मिला स्टेज पर जितने भी उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद नूर खान साहब व दीगर अहबाब अत्तारी बरादरान जितने भी तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा अदनान अशरफ साहब माशाल्लाह दीगर जितने भी दरबार से मुतालिक लोग और यहाँ खिदमात सरंजाम देने वाले अल्लाह ताला सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मज़ सकीने के नाम इस पुरफितन दौर में जिसमें मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं ये दौर मफाद की दुनिया से वाबस्ता है। इंसान अगर किसी से ताल्लुक भी बनाता है तो मफाद की दुनिया के रास्ते की बुनियाद पर और इसी बुनियाद पर आज ताल्लुकात जितने भी हैं वो परवान चढ़ रहे हैं। लेकिन इस असना में जो शख्स भी किसी अल्लाह के खास बंदे के साथ अपना ताल्लुक कायम करे अपनी वाबस्तगी को यकीनी बनाए तो वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने उस पर खास कर्म किया कि उसे अपने बंदों का कुर्ब अता फरमाया। वरना आपको पता है कि ताल्लुक सारे का सारा दुनियादारी की हैसियत में है और दुनियादारी ने मफाद के पीठ चढ़ा हुआ है और ये खास अल्लाह ताला जल्ल शानहू की रहमत है।
कि कोई शख्स उसके बंदू से इसलिए ताल्लुक जोड़ता है ताकि रब की मार्फत का एक हिस्सा मुझे भी अता हो जाए। मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हुज़ूर फरमाते हैं, लिकुल शैइन मादतुन व मादतुन तक्वा कुलूबुल आरिफीन। तवज्जो है, मैंने हदीस पाक पेश की है और आज मैं इस मौजू में आपको बताऊंगा कि हम अल्लाह के इन वलियों के कुर्ब की तमन्ना क्यों करते हैं और इन इबादत के कुर्ब की जुस्तजू क्यों अपने दिलों में रखते हैं। वजह क्या है? क्या माशाल्लाह खुदा ताला से बढ़कर इनकी ताकत है? हरगिज़ नहीं। इनकी बारगाह के कुर्ब का असल सबब क्या है, उस पर आपने जरा गौर करना है। मैंने ये हदीसे पाक उसी तनाजुर में पेश की है। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं, लिकुल शैइन मादतुन व मादतुन तक्वा कुलूबुल आरिफीन। दुनिया के हर शय के हुसूल का एक मरकज है। मादत कहते हैं कान को, जैसे लोहे की कान है, सोने की कान है, दीगर जितने जवाहरात है उनकी कान है। कान मरकज, हर शय के हुसूल की कान है, मरकज है। सोनिया तकवे की दुकान क्या है? तकवे की कान क्या है? फरमाया वमादतुन तक्वा कुलूबुल आरिफीन। अल्लाह ताला की मार्फत रखने वाले जो अल्लाह के वली है उनके दिल तकवे की काने हैं। तुम्हें तकवा चाहिए तो अल्लाह के वलियों के दिल के करीब होना पड़ेगा। अल्लाह हो रहा तुम अल्लाह के वलियों के करीब हो जाओगे और रब ताला की मार्फत के रास्ते पर चल निकलोगे, रब तुम्हें अपनी मदद के खास के जरिए अपनी मार्फत का समुद्र अता करेगा, मार्फत का समुद्र अता करेगा। इकबाल कितना पढ़ा लिखा था, आजकल जो ज्यादा पढ़ लिख जाए ना उसे ये लगता है कि बस नमाज उसका फरीजा है और उसने और ये नहीं जाना, और उससे बात भी की जाए तो कहते हैं जनाब ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये तो इन चीजों की तरफ आता नहीं है। मैंने कहा सारा सिलसिला तरीकत अल्लाह के वलियों की बारगाह से ही तो जुड़ा हुआ है, तवज्जो कीजिएगा और मैंने बात को आगे बढ़ाना है, सुनिएगा। इकबाल जिस हस्ती का नाम है उसे रब्बे कायनात ने दुनिया का इल्म भी अता फरमाया था, मार्फत की दुनिया से भी हिस्सा वाफे अता किया था, वो परमला कहते हैं। जो बात किसी मर्द कलंदर की बारगाह में है, तवज्जो है। अच्छा, इमाम गज़ाली कितना बड़ा नाम है, इमाम गज़ाली कितना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि आजकल के दौर में ना अगर गज़ाली की किताबें कोई पढ़ ले तो खुदा की कसम रब उसे तकवे की दौलत अता कर देता। इमाम गज़ाली की शान इतनी है, लेकिन इमाम गज़ाली भी तरीकत की दुनिया में जब कदम रखते हैं तो फैज पता है किससे हासिल करते हैं? हजरत अबू अली फारबती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से। अगर इमाम गज़ाली को पीर की जरूरत है तो मुझे और तुझे पीर की जरूरत क्यों नहीं होगी? तवज्जो है, बाबा से बलत के ये सुभान अल्लाह। और तवज्जो मुल्ला जाबी, मुल्ला अब्दुल रहमान जाबी रहमतुल्लाह अलैह, मार्फत की दुनिया का समुंदर है। नफखातुल अनस तसव्वुफ की दुनिया की एक बहुत अजीम किताब जिसके मुसन्निफ का नाम मुल्ला अब्दुल रहमान जाबी है। आप भी दुनिया तरीकत में कदम रखते हैं, हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह इब्रार की बारगाह से फैज हासिल करते हैं। तवज्जो है, हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह इब्रार की बारगाह से, हजरत इमाम राजी नंबर अल्लाह बरकतहु, हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा की बारगाह से फैज हासिल करते हैं, हजरत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हजरत बाकी किल्ला की बारगाह से फैज हासिल करते हैं, और हजरत जनाब इमाम अहमद बिन हंबल हजरत बिशर हाफी की बारगाह से फैज हासिल करते हैं। तवज्जो है,
इसलिए इन औलियाए किराम की बारगाह के साथ रابطہ जोड़ने का मतलब यह है कि बंदा अपने रब की बारगाह के करीब हो जाता है, अपने रब की बारगाह के करीब हो जाता है। तवज्जो कीजिएगा, मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह 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 किए जाने से जो अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से जो अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो बिशर हाफी, तवज्जो कीजिएगा, बड़ी मजे की बात है। हजरत बिशर हाफी की बारगाह में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े मुहद्दिस थे कि मेरे नबी ने हदीस में आपकी तरफ इशारा फरमाया, फरमाया जब इल्म उठ जाएगा ना तो लोग कजावे बांध कर मेरे मदीने की तरफ आएंगे और एक शख्स उसको हदीस के फैज से सैराब करेगा। उलमा कहते हैं इससे मुराद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है। आप एक दिन अपने मुस्नद हदीस की से उठे, उठकर हजरत बिशर हाफी का इस्तकबाल करने लगे, वापस पलट के आए। शागिर्दों ने कहा हुजूर इतने बड़े मुहद्दिस होकर एक बाबे का इस्तकबाल करने चले गए। आपने फरमाया सुनो, जिस रब को इमाम अहमद बिन हंबल मानता है बिशर हाफी उस रब को जानता भी है, बिशर हाफी उस रब को जानता भी है। हम हैं रब को मानने वाले, ये हैं रब को जानने वाले, ये हैं रब को जानने वाले। तभी तो मुझे कहने दीजिए मेरे दोस्तों के अल्लाह अल्लाह किए जाने से जो अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह मिला दे। तवज्जो करना मेरे दोस्तों, रब ने कायनात अल्लाह मंडूल करीम ने कुरान मजीद फुरकान अमीन में इरशाद फरमाया, मेरे रब का कुरान कहता है अर्रहमान फसल बिही खबीरा। रहमान क्या है, रहमान की शान क्या है, रब की मार्फत चाहते हो किसी खबर वाले से सवाल करो, सोने रब का खबर से सवाल क्यों करे। फरमाया मेरी बारगाह तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरी बारगाह तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम मेरी बारगाह के रास्ते में सही मानों में मार्फत के समुद्र में मुस्तकरक नहीं हो सकते। ए सोनिया फिर की करना चाहिए, फरमाया मेरे बंदू की बारगाह में चले जाओ जो तुम्हें मेरी मार्फत के समुद्र में मुस्तकरक कर देंगे। सोनिया उन्हों की शान की है, सोने उन्हों की शान की है, वो तेरी बारगाह के अंदर किन्ने मकबूल ने। मेरे कमले वाले आका ने फरमाया, फरमाया अल सलासून, मेरी उम्मत में बयक वक्त अल्लाह के तीस वली मौजूद होंगे। बेहिन तुम सरून बबेहिन तुम सकून बबेहिन तुम तरून, फरमाए इन्हीं के सबके रब तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा, इन्हीं के सबके रब तुम्हें बारिश अता फरमाएगा, इन्हीं के सबके रब तुम्हारी मदद भी फरमाएगा। दुनिया में मदद चाहते हो, दुनिया में रिज़्क़ की कसरत चाहते हो, रब्बे कायनात तुम्हें अपनी बारगाह के खास बंदों के सदके में तुम्हें ये सारी नेमतें अता फरमा रहा है, सारी नेमतें तुम्हें अपने खास बंदों
रहमान की शान क्या है, रहमान की अजमत क्या है, फरमाए किसी खबर वाले से जाकर पूछ, किसी खबर वाले से जाकर सवाल कर, किसी खबर वाले से जाकर पूछ। अल्लाह मालूसी तफसीर रूल बयान में नकल करते हैं, आप फरमाते हैं अल मुरादो फसल बिगी आरफा यखबरो का खबीरा। इमाम अलूसी अल्लामा अलूसी तफसीर रूल बयान में इस आयत के तहत पता क्या लिखते हैं, फरमाते हैं अल मुरादो फसल बिगी आरफा यखबरो का खबीरा। आखिरी सुनो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है, अल्लाह की पाकी बयान करो, वो हमारी पाकी बयान करने का मोहताज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम पाकी बयान करेंगे वो हमें गुनाहों से पाक कर सकता है, वो ऐसा करने पर कादिर है। बाबा से बलम के ये सुभान अल्लाह। अल्लाह का आलूसी कहते अल मुरादो फसल नहीं आरफा यो मेरा का खबीरा। इस आयत का मतलब ये है, रहमान के बारे में किसी मार्फत वाले की बारगाह में चला जा, वो तुझे तकबे की दौलत भी अदा करेगा, रब की मार्फत का रास्ता भी अदा करेगा। रब की मार्फत का रास्ता भी अता करेगा, रब की मार्फत का रास्ता भी अता करेगा। और मोहियुद्दीन इब्ने अरबी जो है, मोहियुद्दीन इब्ने अरबी सर फैले औलिया हजरत किबला मोहियुद्दीन इब्ने अरबी सुभान अल्लाह भी चढ़ो हजरत मोहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं ये रब के वलियों के मोहताज हम क्यों हो गए, इसलिए खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। ये कायनात का निजाम बदला बदला आपको नजर क्यों आता है? वैसे तो जाहिर है ना कि जब कोई शख्स अगर किसी एक चीज को कहीं से कहीं मुंतकिल करना चाहे तो मातहतल असबाब आलम असबाब में जरूरत है सवारी की, एक चीज को मुंतकिल करेगा सवारी की जरूरत है, यहां से उठा के वहां ले जाएगा, ये दुनिया का कानून है। 900 मील का फासला हो या 100 मील का फासला हो, लेकिन जब आप देखते हैं हजरत सलेमान के तख्त की तरफ एक अल्लाह के वली उसको आंख झपकने की सूरत में उठाकर 900 मील के फासले तक पहुंचा देते हैं, वजह क्या है? जो खुदा के लिए अपनी आदत बदल देता है खुदा उसके लिए निजाम कायनात बदल देता है। निजाम खुदा उसके लिए निजाम कायनात बदल देता है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस-ए-दिल्ली कहते हैं, तवज्जो करना जरा, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस-ए-दिल्ली कहते हैं ओए जमीन दो तरह की होती है, जमीनें दो तरह की होती हैं, एक ये कि बारिश बरसे तो तब तरोताजा हो जाए, बारिश इतनी बरसे कि बंजर जमीन तरोताजा हो जाए, और एक जमीन वो होती है कि बारिश न बरसे सूरज की रोशनी इतनी बरसे कि उसे पाकीज़ा कर दे, सूरज की रोशनी की पाकीज़ा कर दे। फरमाया अल्लाह के बंदू कभी हाल यही है, कभी आंसू बहा बहा के अपने मन की जमीन को तरोताजा कर लेते हैं, कभी आंसू बहा के आंसू की बरसात से मन की सफंजर जमीन को तरोताजा कर लेते हैं, और कभी किसी अल्लाह के प्यारे की नजर की रोशनी पड़ जाए तो रब बेड़ा भी पार फरमा देता है, मार्फत का समुंदर भी अदा कर देता है।
तवज्जो है ना, सुनो शाबली अल्लाह मादे से दिलवी की बात समझ आई। कभी बंजर जमीन हो बारिश बरसती है तरोताजा कर देती है, और कभी किसी अल्लाह के बली की नजर पड़ जाएगा तो इंसान के मन की खेती तरोताजा हो जाती है। अल्लाह हू अकबर, तवज्जो कीजिएगा। मशहूर ताबी बुजुर्ग ने हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत काब आपके बारे में आता है, ये ताबी बुजुर्ग है, साहबी का नाम भी है लेकिन ताबी बुजुर्ग के बारे में आता है, आप हमेशा जनाजे में सबसे पहली हालत के फजीलत यह है कि आप अब पिछली सब में खड़े हुए, आप पिछली सब में खड़े हुए, लेकिन आप पहली सब में खड़े होते थे। किसी ने पूछा हुजूर हर बार आपको ये देखा गया, आपने फरमाया मैं किसी नजर के तलाश में रहता हूँ, कभी कभी अल्लाह के वलियों की नजर पड़ जाएगा बंदे का बेड़ा ही पार हो जाता है। तवज्जो है, और हजरत कुतुबे मदीना सियालदीन मदनी ने बड़ा प्यारा जुमला नकल किया है, और मेरे दादा पीर हैं बाबा से बुलंद के, ये सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, हजरत कुतुबे मदीना सियालदीन मदनी आप फरमाते हुए, तुमने हदीस सुनी है ना, बुखारी की हदीस है, अम्मा ऐसा की से मरवी है, अम्मा ऐसा मोमिनों की माँ से मरवी है। तवज्जो है, अम्मा ऐसा वो अम्मा ऐसा जिनके बारे में नबी ने फरमाया साहबा अगर तुम्हें दीन के तीन हिस्सों का इल्म चाहिए मेरी आयशा की बारगाह में चले जाना, रब तुम्हें दीन के तीन हिस्सों का इल्म अता फरमाएगा। ये किसकी शान है, मेरी माँ अम्मा आयशा की। तवज्जो, अम्मा आयशा सिद्दीका मोमिनों की माँ। तवज्जो, आपसे हदीस रावी मरवी है, आपकी रिवायत करता हदीसों में, मेरे और आपके नबी ने फरमाया अब नजर तुदखिलुल मरअल कब्रा व तुदखिलुल जमाल अल कदरा, फरमाया नजर इतनी सख्त चीज है, नजर वाकई बड़ी सख्त है, नजर बड़ी सख्त चीज है, कहने के बच्चे को नजर लग गई है फौरन, फिर उसमें तरीका ये होता है कि आप तीन तीन मरतबा सूरह इखलास सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम कर दिया करें, रब ताला अपना करम फरमाएगा। तवज्जो कीजिए, आप फरमाती हैं मेरे नबी करीम ने फरमाया नजर इतनी सख्त चीज है कि ऊंट को हड्डिया में डाल देती है, इंसान को कब्र में उतार देती है, इतनी सख्त है। लेकिन आप फरमाते हैं सुनाए अगर बुरी नजर पड़े तो इंसान कब्र में चला जाता है, बीमार पड़ जाता है, तंगदस्त हो जाता है, लेकिन बाजो का किसी अल्लाह के बलि की नजर पड़ जाए तो बेड़ा पार भी हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये कौन लिखता है, कुतुबे मदीना हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तवज्जो है कि नहीं, अल्लाह अकबर, ये औलिया अल्लाह वो है जो जुबान तीलो काल के जरिए तेरी और तेरी दुनिया बदल देते हैं, जुबान तीलो काल के जरिए और जुबान हाल के जरिए भी, और बाज़ आजकल के इस दौर में तवज्जो करना, आजकल के इस दौर में अगर किसी की बिगड़ी ना बने, आजकल के इस दौर में किसी को यकीन ना आए, वो कहे कि जनाब मेरी बात मैं तो मानता ही नहीं, मैं मुझे इस्लाम की अकानियत मैंने किताबों में पढ़ी है लेकिन वो जो करामत की दुनिया है वो तो मुझे नजर नहीं आई। अरे जुबान कीलो काल वाले जब थक जाते हैं, जुबान कीलो काल वाले जब थक जाते हैं तब अल्लाह के वली मैदान अमल में आकर जुबान कीलो काल से नहीं जुबान हाल के जरिए मोमिन को यकीन की मंजिल तक पहुंचा देते हैं, मोमिन को यकीन की मंजिल तक पहुंचा देते हैं जुबान हाल के जरिए। तवज्जो कीजिएगा, दो बातें अर्ज करके, एक वाक्य अर्ज करके फिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंदा जिक्र सालिहीन तनज़ल रहमा, ऐ मेरे गुलामों जब अल्लाह के वलियों का जिक्र किया जाए, मेरे कमली वाले आका ने मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को तालीम इरशाद फरमाई, फरमाया जब अल्लाह के वलियों का जिक्र किया जाए सोने इनाम क्या मिलता है, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया तनज़ल रहमा, रब की रहमत अगर चाहते हो रब के वलियों का जिक्र करो, रब तबारक व तआला तुम्हें अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा।
अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों तवज्जो करना ना, ये वही बंदे अल्लाह के बंदे हैं जिनके बारे में रब का कुरान कहता है अर-रहमान फसल भी खबीरा। रहमान की शान क्या है, रहमान की अजमत क्या है। मार्फत की दुनिया में कदम रखना चाहते हो, रब कायनात की बारगाह से तुम्हें ये इनाम मिला, अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ लो। रब कायनात तुम्हें अल्लाह के वलियों की बरकत से तुम्हें अपनी बारगाह का गुर बता फरमाएगा। यही वो दुनिया जिसे करामत की दुनिया कहते हैं, यही वो दुनिया जिसे तसव्वुफ और शरीयत की दुनिया कहते हैं, यही वो दुनिया जिसे तरीकत की दुनिया कहते हैं। मेरे दोस्तों बड़े बड़े अल्लाह के वली है जिन्होंने किसी न किसी वली के दामन में अपना हाथ दे दिया। रब काबा की कसम है, उस वली के दामन की बरकत से रब कायनात ने न सिर्फ अपनी मार्फत का मौजदा अता फरमाया बल्कि लाखों लोगों के सीनों में तो ईद के नूर को रकम करने का जरिया भी बना दिया, जरिया भी बना दिया। मेरे दोस्तों अल्लाह के वलियों की चौखट अगर कोई फायदा ना देती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12 साल जनाबे वाला हजरत ताताली हजवेरी की चौखट में कभी ना बैठते। 12 साल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत ताताली हजवेरी की चौखट पर गुजारे और जब जाने लगे मेरे दोस्तों अगर अल्लाह के वली की बारगाह से फैज इतना मिला, 90 लाख की दुनिया को रब काबा की कसम है दुनिया के अंदर तो ईद के नूर से मुनव्वर कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों दुनिया में बंदा 90 लाख लोगों से मुलाकात नहीं कर सकता, इतना वक्त नहीं होता, लेकिन अल्लाह के वली की शान तो देखो, सिर्फ मुलाकात नहीं की बल्कि सबके सीनों में तो ईद के नूर को भी रकम फरमा दिया है, तो ईद के नूर को भी रकम फरमा दिया गया। सब कहने दे फदल तेरे नल ए लोहे तर दे, फजल तेरे नल लोहे तर दे, फतिया दे सज नल के कुत्ते जन्नत जाने बलिया दे सजरा ले के। तवज्जो है, तवज्जो है ना, गौर फरमाओ। 12 साल हजरत ताताली अजमेरी की बारगाह में चिल्ला काट कर जब अजमेर की पहाड़ियों पे पहुंचे, रब ने तौहीद का ऐसा नूर अता किया, उस रोशनी से जब वे लाख को रब ने तौहीद की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। इसी को तो कहने लगे के गंज बख्शे फैजे आलम। किसने लिखा ये? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हुजूर ताताली अजमेरी की बारगाह में लिखा है। जब जाने लगे ना 12 साल के बाद, चिल्ला काटने के बाद, आपकी चोकर से फैज हासिल करने के बाद वापस पलट के जाने लगे, तो आप क्या कहते हैं कि गंज बख्शे फैजे आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल ये है अल्लाह के वलियों की शान। मैंने एक जुमला आपको अर्ज किया था, आओ आखिरी बात और बड़ी पते की बात और बड़ी मुदल्लल और बड़ी बहकाना बात तवज्जो कीजिएगा। मैंने आपसे अर्ज किया था बंदा आजकल के इस दौर में जुबाने तीलो काल से ना माने, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं, कहते जी समझ नहीं आई, गल समझ नहीं आई। फिर उनके लिए मेरे कमली वाले आका का वही कानून चलता है ना कि जब वो आए थे कि हम मानते तो हैं पर मजीद यकीन चाहते हैं, यकीन तब होगा जब चांद तो टुकड़े होकर हमें दिखाएगा मोहम्मद की कंकुली उठी है। इसे कहते हैं जुबाने कीलो काल से आगे बढ़ के जुबाने हाल के जरिए बात करना। कोए सफा की चोटी पर मेरे नबी ने खड़े होकर चांद तो टुकड़े किया था ना, दुनिया ने देखा ना। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया था ठहर जाओ तुम्हारा मुतालबा है लेकिन पहले मुझे रब से हुक्म का इंतजार आने दो, रब ताला मुझे हुक्म इरशाद फरमाएगा, मुझे कुछ वजीफा अता करेगा, मैं वो वजीफा पढ़ूंगा तो चांद को टुकड़े हो जाएगा। नहीं, मेरे नबी ने कहा तुम जुबाने कीलो काल से आगे बढ़ के जुबाने हाल के जरिए यकीन चाहते हो, लो मोहम्मद की उंगली उठ गई है, सुबह कयामत तक
इसे तोड़ा भी मोहम्मद ने था, इसे जोड़ा भी मोहम्मद ने था। अल्लाह अकबर, पर के अंगुश्ते नबी चमकी थी उस पर एक बार। मेरे इमाम ताजदारे बरेली कहते हैं, पर के अंगुश्ते नबी चमकी थी उस पर एक बार। आज तक है सीनाए महमैन शाने सोता, आज तक है सीनाए महमैन शाने सोता। किसी ने पूछा मेरे हुजूर ताजदारे बरेली से, हुजूर ये चांद में लकीर क्यों नजर आती है? फरमाया, टूट जाए ना तो वैसे जुड़ा नहीं करती, ये जाहिर कर रही है मोहम्मद की उंगली उठी थी, ये जुड़ा टूटा भी था और जुड़ा भी था। अल्लाह हू अकबर। इसे कहते हैं जुबान हाल के जरिए मैदान में आना। अब आओ तवज्जो करना जरा, आपने लाहौर हुजूर दाता अली हजवेरी का जिक्र सुना। ये चौखट कोई आम छोटी सी चौखट नहीं है, बर्रे सगीर पाको हिंद में खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, इस जैसी आपको कोई और दरगाह नहीं मिलेगी। ये इतनी असमत वाली दरगाह है, तवज्जो कीजिएगा, रब ने इतनी शान अता फरमाई। तवज्जो है, वो कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी है, मैं अब उसके साथ इसका ताल्लुक कायम करने लगा हूँ, जुबान कीलो काल और जुबान हाल का फर्क बताने लगा हूँ। तवज्जो करना, अल्लाह का कुरान कहता है, काल लजी इंदहू इल्म मिन अल किताब, कहा उस मर्दे कलंदर ने जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। पता चला आज अल्लाह के वलियों का तारुफ ही यही है, जिनके पास कुरान का इल्म हो ना वही अल्लाह के वली होते हैं। आज डब्बे पीरों की बात नहीं हो रही, हाँ ये जो अल्लाह के वली है ना, ये आज अपने मजार से हमें आवाज दे रहे हैं कि हम मर कर भी इस बसले जहां में जिंदा है। ये टली वाली सरकार, संगल वाली सरकार, तपसी वाले बाबा जनाब, दरख्त वाले बाबा, अंगूठी वाले बाबा, अल्लाह अकबर। भाई आपको क्या हो गया, क्या हो गया? इन अल्लाह के वलियों की बारगाह में आइए, रब की मार्फत सीखने आइए, रब अपनी मार्फत भी अदा करेगा, दुनिया की मुश्किल भी आसान फरमाएगा। ये आज भी अपने मजारे पर अनवार से उठकर हमें ये सदा दे रहे हैं कि हम मर कर भी इस बज़्मे जहां में जिंदा है, हम मर कर भी इस बज़्मे जहां में जिंदा है। तलाश कर मेरी राह, मेरा मजार न पूछ, तलाश कर मेरी राह, मेरा मजार न पूछ। इसलिए अल्लाह के वलियों का तारुफ यही है, जिनके सीधे में कुरान का इल्म होना, रब उन्हें ही विलायत अता करता है, रब उन्हें ही अपनी बारगाह की विलायत अता करता है। इसलिए तवज्जो कीजिएगा, कुरान कहता है, काल लजी इंदहू इल्म मिन अल किताब, कहा उस बंदे कलंदर ने, किसने? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह के वली ने क्या कहा? अना आती कभी कबला अन यंतद इलैका तरफुक, हुजूर आप आंखें बंद करेंगे ना, आंख खोले के तख्त आपके सामने होगा, तख्त आपके सामने होगा। ये अक्सर आपने वाकया सुना होगा, लेकिन जुबाने दिलो काल की बात नहीं है, जुबाने हाल की बात है। और तख्त भी कोई नजदीक नहीं था, 900 मील के फासले पर था, 900 मील के फासले पर था। अब मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की बात को सुनो, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने कहा था, जो खुदा के लिए अपनी आदत बदल देता है, खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदला के नहीं बदला, 900 मील के फासले से तख्त एक लम्हे में आया कि नहीं आया? हालांकि चीज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे की जाती है? सवारी का बंदोबस्त करो, सवारी पे लोड करो, लोड करने के बाद सफर करो, सफर के बीच में पड़ाव भी लगाओ, खाना भी खाओ, जरूरियात जिंदगी भी पूरी करो। ये सारा कायनात का निजाम है, लेकिन बदल गया क्योंकि उसके लिए बदला जिसने खुदा के लिए अपनी आदत बदल दी थी, जिसने खुदा के लिए अपनी आदत बदल दी थी। अब तवज्जो करना, बड़ी पते की बात बताने लगा हूं। अल्लाह का कुरान कहता है, काल लजी इंदहू इल्म मिन अल किताब, कहा उस बच्चे कलंदर ने जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, क्या कहा?
मैं इतनी देर में तख्त ले आऊंगा, जितनी देर में आप आंख बंद करेंगे खोलेंगे तख्त आपके सामने होगा। قال الذي عنده علم من الكتاب فلما راه مستقرا عنده جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت آپ کے سامنے تھا۔ لاہور تاتاری حجبری کی چوکھٹ کے قریب ایک شخص ہے جس کی قبر ہے، جس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے جو اس آیت مقدسہ کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ اب توجہ کرنی ہے آپ نے، سنیے گا۔ لاہور تاتاری اجمیری کے چوکھٹ میں ایک قبر، اس قبر کے اوپر تختی لگی ہے۔ نیچے جو بیسمنٹ میں قبریں ہیں نا، یہ آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ حضور تاتا علی حجمیری کا بھی مزار اوپر نہیں ہے، نیچے ہے۔ یہ اوپر صرف گنبد تعمیر کیا ہوا ہے، جی ہاں یہ مزار نیچے ہے، بیسمنٹ میں بنا ہوا ہے۔ آپ کی قبر انور بیسمنٹ میں ہے، اسی کے اوپر مزار بنا ہوا ہے اور لوگ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ آپ آج جا کر یا کبھی آپ جائیں تو آپ تحقیق کریں گے، اور آپ تحقیق کر لیجئے گا۔ سنیے، بیسمنٹ میں ان قبروں کے احاطے میں، اس قبرستان کے احاطے میں ایک قبر ہے جس قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے فاروق احمد لینارڈ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ فاروق احمد لینارڈ۔ یہ 1945 میں اس کا وصال ہوا۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب سا ہے۔ یہ بندہ اسلام کے بڑے قریب ہوا، رہتا تھا ہندوستان میں، انگلینڈ میں رہتا تھا، لندن میں۔ توجہ کیجئے گا، وہاں اسلام کی طرف دل مائل ہوا، یہاں سے کچھ تبلیغ والے چلے گئے اور جا کر اس کو کہنے لگے کہ اسلام قبول کرو۔ وہ چونکہ پہلے سے ہی اسلام سے متاثر تھا، اس نے کلمہ پڑھا، محمد کی غلامی میں آ گیا۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑے عرصے کے بعد نا اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی، اس کا تعلق مزید بنا، اسلام کے ساتھ جڑا، فریضے ادا کرنے لگا، اسلام کے معمولات پر عمل کرنے لگا، نمازی بن گیا، روزے رکھے، اور اس طرح کے جتنے معاملات تھے ان میں اس نے اپنی مشغولیت کو صرف کرنا شروع کر دیا۔ اب جستجو پیدا ہوئی، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، قرآن کی تفسیر پڑھنے لگا۔ تفسیر پڑھتے پڑھتے جب پہنچا نا سورہ نمل پہ پہنچ کر، جب اس آیہ مقدسہ پہ پہنچا کہ ایک اللہ کے ولی آن واحد میں تخت سلیمان، تخت ملکہ بلقیس کو اٹھا کر ایک منٹ میں لے آئے، ایک لمحے میں لے کے آگے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ لیکن پریشانی اور بڑھ گئی جب اس نے تفسیر پڑھی۔ تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 40 فٹ چوڑا تھا، 80 فٹ لمبا تھا، 40 بندے اسے اٹھا کے چلتے تھے، اور 900 میل کے فاصلے پر تھا۔ حیران ہو گیا، لیکن پھر بھی یقین تو تھا نا۔ اب آپ کی بار جب تبلیغ والے پہنچے نا، تو ان سے جا کے کہنے لگا، تبلیغ والوں میری ایک پریشانی دور کرو۔ پوچھا پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے ولی تخت اٹھا کر لائے تھے، مجھے یقین ہو گیا تخت آیا تھا، بس تم مجھے یہ بتا دو نا تخت آیا کیسے تھا۔ توجہ ہے، آپ ہی چھوڑو ذرا، سبحان اللہ، تم مجھے یہ بتا دو تخت آیا کیسے تھا۔ جناب قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، تو آیا تھا۔ اس نے کہا میں نے کب انکار کیا کہ نہیں آیا تھا، تم یہ بتا دو آیا کیسے تھا۔ انہوں نے کہا یار پھنس دی جان شکنجے اندر، جیوں میلے نے دیوی چکن نہ ان کے در چاہیے۔ اللہ اکبر، اب ہوا یہ، انہوں نے کہا چلو جی پاکستان کو میں لے چلتے ہیں، بڑے لامے فامے ہیں، ادھر جا کے بڑے بڑے لامہ فامہ سے بلائیں گلائیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا چلو جی چلتے ہیں، تسلی تسلی کے لیے مجھے جانے میں کیا مسئلہ۔ یہاں آئے کبھی گمن صاحب، کبھی روپڑ صاحب، کبھی کون، کبھی کس کے پاس، بات کہیں نہ بنی۔ چلتے چلتے، مختصر کرتا ہوں، چلتے چلتے حضور تاتا علی اجمیری کی چوکھٹ کے قریب سے گزر ہوا نا، اللہ آپ ہی چھوڑو، سبحان اللہ، ہوں تو آنکھوں نہ سبحان اللہ، یہ پنکھا تھوڑا اس کا رخ چینج کر دیں، اس طرف کر، توجہ آپ توجہ کر دیا۔ اس نے کہا جناب یہ بتائیے تخت آیا تھا، ہر ایک کے پاس جائے ہر ایک مولوی علامہ یہی کہ تخت آیا تھا۔ اس نے کہا میں نے کب انکار کیا آیا تھا، مولوی صاحب مجھے یہ نہ بتاؤ کہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، میرا سوال یہ تخت آیا کیسے تھا۔ بات کہیں نہ ب
बनी। हुजूर दाता अली अजमेरी की चौखट में करीब से गुजरा था, इलेक्शन हुआ, दाता अली अजमेरी ने अपनी तरफ खींच लिया, कहा आओ जहां कहीं किसी को यकीन नहीं मिलता हम उसे यकीन की मंजिल अता कर देते हैं। तवज्जो है, दाता अली अजमेरी की चौखट में आया, उसने कहा रुको 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 यहाँ अंदर चलते हैं। उन्हें पूछा जनाब इतने की करना जाके, आखे नहीं यार मेरा दिल करता है अंदर जावा, उन्हें आखे नहीं जाना नहीं इतने, आखे क्यों नहीं जाना, आखे ये तो शिर्क कायदा है। उसने कहा यार चलो चलते हैं, मुसलमानों का शिर्क कायदा देखते हैं, कौन सा मुसलमानों का शिर्क कायदा है, अरे ये तौहीद वाले भी शिर्क करते हैं, बोला देखने तो दो। गया सीधा सुनहरी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, सुनहरी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ ना तो अंदर से खुशबू आने लग गई, कहने लगा ओए बदबख्तो ये शिर्क का अड्डा नहीं हो सकता, शिर्क के अड्डे से जब कभी खुशबूएं नहीं आया करती, शिर्क के अड्डे से कभी खुशबूएं नहीं आया करती। अब है जुबाने कीलो काल वाले, जुबाने कीलो काल वालों से बात न बनी तो जाहिर है फिर जुबाने हाल वाले ही तो यकीन की मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जो है अब सुनना करा, सामने गया ना एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी, नूरानी चेहरा और सफेद लिबास, सफेद इमामा शरीफ पहने हुए, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी क्या हाल है। जी ठीक हूँ बेटा, आप सुनाइए। कहा बाबा जी एक उलझन में हूँ, बड़ी परेशानी है, मेरा मसला तो हल फरमा दीजिए। कहा बेटा मसला क्या है। कहा ना जी बाबा जी बैठ के तसल्ली से बात करेंगे, मसला बहुत बड़ा है और बड़ा अहम है, हाल जो किसी से नहीं हो रहा, हाल जो किसी से नहीं हो रहा। बाबा जी आखिर चलो चलते हैं, उजड़े में चले गए, जाके बैठे। बाबा जी ने पूछा आप बताओ, उसने अपनी सारी दास्तान सुना डाली, कहने लगा हुजूर मैं तो कुछ अर्सा पहले इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की तरफ मेरी तवज्जो आ गई, मैंने इस्लाम के सारे मामूलात पे अमल करना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, जब मैं सूरह नमल पे पहुंचा इस बात पे मैं अटक गया कि वो तख्त आया था 900 मील के फासले से आया, 40 फीट 14 80 फीट लंबा, 40 बंदे उसे उठाते हैं, मेरा सवाल ये है तख्त आया कैसे था, कोई भी मसला हल करने को नहीं दे रहा, आप हल फरमा दीजिए। बाबा जी ने कहा फारूक तसल्ली रखो, अभी मसला हल किए देते हैं, ये बताओ ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे। अल्लाह हू अकबर, मसला हल किए देते हैं, ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे। अल्लाह हू अकबर। बाबा जी से अर्ज करने लगा हुजूर मुझे तो चाय की तलब हो रही है, मौसम भी ऐसा है और मेरी परेशानी भी है, सफर भी है, थकावट भी है। आपने फरमाया अच्छा चाय पीनी है। बाबा जी ने यूं हाथ उठाया ना, बात वही आ गई, जो खुदा के लिए आदत बदल देता है खुदा उसके लिए निजामे दुनिया बदल देता है। ये जुमरा किसका है, शेख सरताजुल औलिया सरखैले औलिया हजरत मोहियुद्दीन इब्ने अरबी का जुमरा है। अब आओ बाबा जी ने हाथ उठाया ना, चाय की भरी हुई प्याली बाबा जी के हाथ में, चाय की भरी हुई प्याली बाबा जी के हाथ में। बाबा जी ने कहा अल्लाह अकबर, बाबा जी ने कहा लिए लो, फारूक अहमद चाय आ गई, फारूक अहमद चाय देखकर प्याली देखकर बेहोश हो गया। बाबा जी चले गए उठ के, थोड़ी देर के बाद तबलीग वाले बंदा ढूंढते ढूंढते कहीं पहुंच गए, हमारा बंदा किधर गया जनाब, असी परेशान का बंदा साडा किथे गया। जब पहुंचे ना उसके पास, देखा कि होश पड़ा हुआ है, उसके हाथ पांव मसल करना शुरू कर दिए, भले तो कुछ देर के बाद उसे होश आया, उसने होश में आते ही पूछा बाबा जी किथे ने, उन्हें आख्या बाबा जी को छड़ सानू नहीं पता कहड़ा बाबा आया इतने, असी तो देखा ही कोई नहीं। अल्लाह हू अकबर, ये बता तू बेहोश क्यों हुआ था। कहा सुनो बेहोश इसलिए हुआ था, ये जो चाय की प्याली मेरे सामने रखी है ये कहीं और से नहीं आई, ये लंदन में मेरे घर से आई है, ये लंदन में मेरे घर से आई है। और बाबा जी ने कहा बेटा तू परेशान था ना, तख्त कैसे आया, जैसे तेरे घर से प्याली आई है ऐसे ही तख्त भी आ गया था, ऐसे ही तख्त भी आ गया था। तो मुझे कहने दीजिए के अल्लाह अल्लाह किए जाने से जो अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे हैं। तब जो है बाबा जी ने
कहा जिनके पास तू जाता है ना बाबा जी ने, उसने कहा बाबा जी मुझे कह कर गए हैं कि जिनके पास तू जाता है ना वो तुझे नहीं बताएंगे कि तख्त कैसे आया था, ये तुझे बताएगा या मेरे अली बताएगा या दाता अली हजमेरी बताएगा। अल्लाह अकबर, ये जुबाने कीलो काल वाले नहीं, जुबाने हाल वाले तुझे बताएंगे तख्त कैसे आया। न ताजो तख्तो हुकूमत में है, न लश्करों से बाहर में है, जो बात किसी मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, जाओ जरूर, वलियों की चौखट पे जाओ, लेकिन आजकल के डब्बे पीरों से जरा बच के रहना। वो पीर नसीरुद्दीन नसीम साहब नब्बर अल्लाह उमर का दरू ने कहा था ना, अरे पीर पीर का बेटा पीर नहीं होता, अरे पीर का बेटा पीर नहीं होता, इसलिए कि पीरी विरासत में नहीं मिला करती, पीरी तो रब की मार्फत से मिला करती है, पीरी रब की मार्फत से मिला करती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ किया करो कि रब तुम्हें नेक बंदों की सोहबत अता करे, रब तुम्हें नेक बंदों का कुर्ब अता करे। हुजूर दाता अली हजरी कहते हैं अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती कर लिया करो, अल्लाह के नेक बंदू से दोस्ती कर लिया करो। हुजूर दाता अली हजरी ने कशफल माजूम में लिखा कि अल्लाह के नेक बंदू से दोस्ती कर लिया करो, क्योंकि कल बरोज़े कयामत रब हया करेगा तुम्हें अपने दोस्तों के सामने, तुम्हारे ताल्लुक की बिना पर तुम्हें जहन्नम में डाले नहीं, उनके सदके वो तुम्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसलिए अल्लाह ताला के नेक बंदों का कुर्ब हासिल करो, उन बुजुर्गों के पास बैठो जो बैठते साथ ही आपसे ये ना पूछे आपने गाड़ी कौन सी रखी हुई है। नहीं समझे, आजकल पीरा को जाओ ना पूछते ने काम की कर दे हो, मैं पटवारी हूं। अच्छा ऐसे माशाल्लाह दो चार मरते हो जी जी, अल्लाह का करम है, पांच सात कोठियां भी ने ते हो पटवारी, ते पटवारी नाम ही बहुत बड़ा है। अल्लाह को अकबर, मैं क्या उस पीर को जाया करो जरा सब तो पहले पूछे नमाजा कि पढ़ रहे, जो है उस पीर के पास जाया करो जो सबसे पहले पूछे ओए मामा तेरा की ताल्लुक है, तू पूछ दे गड्डी का मॉडल केड़ा है, मॉडल पूछे ते समझ जाओ दुनियादार है, पीर नहीं हो सकता, पीर ते सब तू पहले पूछदा वे नमाजा कितनी पढ़दा है, जे चार पढ़दा है ते पांच पूरियां करेगा। तवज्जो है, इसलिए दुनियादारों से बचो, पीरों के पास जाओ, पीरों के पास जाओ। मुझे तसव्वुफ की दुनिया में एक बंदा पीएचडी कर रहा है, उसने बड़ी पते की बात कही, सिर्फ एक मिनट की बात है और बड़ा पैगाम है सुनिएगा। उसने कहा जब हम वाइवा कर रहे थे ना, वाइवा यानी आखिर में जब थीसिस के आखिर में एंड होता है, डिग्री मिलना होती है तो उससे पहले एक वाइवा होता है, हम वहां में बैठे तो एक सवाल हुआ, वहां एक कर्नल साहब बैठे हुए थे और पूरी ज्यूरी बैठी हुई थी, पूरे लोग बैठे हुए थे, जज बैठे हुए थे। उनने कहा ये बताइए, सवाल ये है कि 1960 के बाद, 1960 के बाद तसव्वुफ की दुनिया में, तरीकत की दुनिया में कौन सी नुमाया चीजें सामने आई। तो कहते मैं जवाब देने वाला ही था कि कर्नल साहब बोल पड़े, उन आख्या बस पराठों के खजारों आ गई, यानी तकवा और परहेजगारी खत्म हो गई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। ये बात हरगिज नहीं कि जिसके पास पराडो हो वो एक मुत्तकी और अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अच्छी सवारी सहाबा ने भी रखी है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको जरा खुद अपना इम्तिहान लेना पड़ेगा, अपनी जात को देखकर जरा लोगों के ताल्लुक से आपने कुछ ना कुछ समझना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास करम फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको तरीकत और तसव्वुफ की दुनिया से कामिल वफस्तगी अता फरमाए। आमीन बिजाहे ताहा व यासीन। किसी बंदे की दिल आजारी हुई है तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन बातें बड़ी सच्ची हैं, सच्ची बातें भी करनी चाहिए अगरचे कड़वी हो, क्योंकि कड़वा भी बाज़ औक़ात सेहत के लिए मुफीद हुआ करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।